मॉर्निंग, वेलकम टू द चैनल स्टडी इन ह्यूमन। टुडे वी विल डिस्कस ऑन द टॉपिक ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। देखिए, लास्ट क्लास में मैंने आपको लॉ ऑफ डिमांड के बारे में बताया था। लॉ ऑफ डिमांड में मैंने बताया था कि इफ प्राइजेस इंक्रीज डिमांड डिक्रीज इफ अदर थिंग्स रिमेनिंग सेम। तो देखिए, प्राइजेस इंक्रीज होने से डिमांड डिक्रीज हो रही है। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हमें ये बताती है कि कितने प्राइजेस इंक्रीज होने से कितनी डिमांड डिक्रीज होगी। तो ये हमें क्या बताती है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, डायरेक्शन के बारे में। प्राइजेस कितना चेंज प्राइजेस में होने से कितना डिमांड में चेंज होगा, इसको हम बोलते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की डेफिनेशन में आप लिखोगे, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मेजर्स द रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ क्वांटिटी डिमांडेड, जैसे कि मैंने यहाँ पे बताया है, ऑफ अ गुड टू चेंज इन इट्स प्राइस। इसका मतलब ये परसेंटेज के बारे में बताती है कि क्वांटिटी डिमांडेड में कितना चेंज होगा प्राइसेस में चेंज आने से। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड थ्री टाइप्स की होती है, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इस लेक्चर में हम सिर्फ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के बारे में पढ़ेंगे। टाइप है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में मैंने आपको बताया है कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का ही दूसरा नाम प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है। डेफिनेशन उसकी सेम होगी और फॉर्मूला होगा परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ड्यू टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस। प्राइस के कारण कितने परसेंट प्राइस में चेंज होने से कितने परसेंट चेंज डिमांड में होगा। तो आप इसको फॉर्मूला को लिख सकते हो। उसके बाद जैसे एग्जांपल में मैंने बताया है, फॉल इन प्राइस बाय 10%, 10% प्राइस कम होने से डिमांड जो है 20% इंक्रीज हो जाती है। तो आप इसको कैसे दिखाओगे, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड कितनी है 20% और प्राइसेस कितने फॉल हुए हैं 10%। और जो ये माइनस साइन फॉर्मूले में है, इट शोज द नेगेटिव रिलेशन बिटवीन द प्राइस एंड डिमांड। तो ये 20% और 10%, तो ये हमारा हो गया -2। हम जो माइनस है इसको हम इग्नोर करके चलते हैं, तो हमारी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कितनी हुई 2। तो ये दिस इज प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। टॉपिक इज डिग्रीज ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। देयर आर 5 टाइप्स ऑफ डिग्री। फर्स्ट वन इज परफेक्टली इलास्टिक डिमांड, सेकेंड वन इज परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड, थर्ड वन इज यूनिटी इलास्टिक डिमांड, फोर्थ वन इज ग्रेटर देन यूनिटी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, फिफ्थ वन इज लेस देन यूनिटी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो पहला परफेक्टली इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इसमें क्या होता है, प्राइसेस जैसे यहाँ पे 4 हैं, डिमांड इज 10, 20, 30। इफ देयर इज ए स्लाइट चेंज इन प्राइस, यदि 4 से थोड़ा सा भी ज्यादा प्राइसेस होता है तो डिमांड में इनफिनाइट चेंज होता है। यदि प्राइसेस 4 है तो डिमांड 10 भी हो सकती है, 20 भी हो सकती है, 30 भी हो सकती है, लेकिन थोड़ा सा भी प्राइसेस में चेंज होने से, इंक्रीज होने से देयर विल बी चेंज इन द डिमांड। वो जो चेंज होगा दिस विल बी इनफिनाइट। तो इस केस में इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड विल बी इनफिनाइट। ये मोस्टली परफेक्ट कॉम्पिटिशन के केस में होता है। और परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड, परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड में है, प्राइसेस चाहे 2 हैं, 4 हैं, 6 हैं, डिमांड विल बी सेम। ये कौन सी केस में होता है, नेसेसरी गुड्स के केस में, चाहे सोल्ट, शुगर, चाहे प्राइसेस उसके इंक्रीज हो या डिक्रीज हो, डिमांड विल बी द रिमेन सेम। नेक्स्ट वन इज यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। यूनिटरी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के केस में हम, यदि प्राइसेस 10% इंक्रीज होते हैं और डिमांड जो है 10% डिक्रीज होती है, तो जैसे मैंने आपको या फॉर्मूले में दिखाया है, प्राइसेस 10% इंक्रीज है, डिमांड माइनस साइन दिखाया हुआ है, डिमांड में 10% डिक्रीज है, तो इन दोनों को कट करके इलास्टिसिटी कितनी 1, इसको हम क्या बोलेंगे, यूनिटरी। ग्रेटर देन यूनिटरी, ग्रेटर देन यूनिटरी के केस में है, यदि प्राइसेस में 10% इंक्रीमेंट लगता है तो डिमांड जो है 20% डिक्रीज हो जाती है। तो इस केस में हम दिखाएंगे फॉर्मूला के केस में, -20% डिवाइडेड बाय 10% 2, तो ग्रेटर देन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। और लेस देन के केस में क्या होगा, सेम हैपनिंग हियर, 10% जो है प्राइसेस इंक्रीज होते हैं, डिमांड 5% डिक्रीज करती है, तो ये हमारी डिमांड कितनी हो गई, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड विल बी 0.5। तो ये क्या है, 1 से कम है,
So we called it less than unity. So these are the degrees of price elasticity of demand. Topic is measurement of price elasticity of demand. There are five methods of measuring price elasticity of demand. First one is total outlay or total expenditure method. Second one is proportionate or percentage method. Third one is point method. Fourth one is arc method. And fifth one is revenue method. अब हम वन बाय वन जो है इन मेथड्स को स्टडी करेंगे. तो फर्स्ट मेथड है टोटल एक्सपेंडिचर मेथड. तो टोटल एक्सपेंडिचर मेथड में हम क्या मेजर करते हैं, प्राइसेस में चेंज आने से टोटल एक्सपेंडिचर में कितना चेंज होगा, उसको हम बोलते हैं टोटल एक्सपेंडिचर मेथड. और टोटल एक्सपेंडिचर को हम कैसे निकालेंगे, प्राइस इंटू डिमांड. तो प्राइस यह है तो हम इसको पूरा के पूरी इसकी टेबल बना लेते हैं. प्राइसेस को हम याद करने के पॉइंट ऑफ व्यू से रिवर्स काउंटिंग लिख लेते हैं 10 से 1 तक और डिमांड को 1 से 10 तक, ताकि हमें जो है आसानी से हम टोटल एक्सपेंडिचर को निकाल सकें. तो प्राइस इनटू डिमांड को करते हुए 10:1, 10. तो इस तरीके से हम टोटल एक्सपेंडिचर को कैलकुलेट कर लेंगे. 6:5, 30. जैसे यहाँ पे है 2:9, 18. तो अब हमने क्या देखना है, इसमें इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को देखना है. तो देखिए प्राइसेस डिक्रीज होने से टोटल एक्सपेंडिचर यदि इंक्रीज होता है तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड विल बी ग्रेटर देन 1. और यदि प्राइसेस को डिक्रीज होने से टोटल एक्सपेंडिचर में कोई चेंज नहीं होता तो उसको हम बोलते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड विल बी 1. और यदि प्राइसेस कम होने से टोटल एक्सपेंडिचर कम हो जाता है, इट मीन्स देयर इज पॉजिटिव रिलेशन, तो इलास्टिसिटी विल बी लेस देन 1. ये हमारे इस टेबल को यदि आप ऐसे याद रखते हो प्राइस और डिमांड को, तो ऑटोमेटिकली हमारे पास ग्रेटर देन 1 और इक्वल टू 1 और लेस देन 1 में आ जाएगा. अब टोटल एक्सपेंडिचर मेथड को हम डायग्राम से भी दिखा सकते हैं. एक्स एक्सिस पे टोटल एक्सपेंडिचर, वाई एक्सिस पे हमने प्राइस लिया हुआ है. देखिए हमारा जो एन एम है इसमें ये दिखा रहे हैं प्राइसेस एन है या एम है. टोटल एक्सपेंडिचर में कोई चेंज नहीं है, सेम है. तो इट मीन्स इस पॉइंट पे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू 1. और यहाँ पे देखिए प्राइसेस हमारे डिक्रीज हो रहे हैं और ये टोटल एक्सपेंडिचर है. ये देखिए टोटल एक्सपेंडिचर हमारा ज्यादा है, प्राइसेस कम है और टोटल एक्सपेंडिचर ज्यादा है. तो इट मीन्स इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज ग्रेटर देन 1. और इसमें क्या है, प्राइसेस कम होने से टोटल एक्सपेंडिचर भी हमारा कम हो रहा है, तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड विल बी लेस देन 1. देखिए ये तो हमारा था टेबल के थ्रू. अब हमारा इसके पास इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को मेजर करने का एक फॉर्मूला भी है. ये फॉर्मूला है 1 माइनस डेल्टा एक्सपेंडिचर डिवाइड बाय एक्स डेल्टा पी. यहाँ पे एक्स है हमारा इनिशियल डिमांड और प्राइस डेल्टा पी चेंज इन प्राइस, डेल्टा एक्सपेंडिचर चेंज इन एक्सपेंडिचर. तो अब देखिए इस टेबल में से हम कोई भी एक दो पॉइंट उठा के हम इसको देख सकते हैं कि हमारा जो ये मेथड है टेबल वाला, ये राइट है या रोंग है. सपोज कर लीजिए मैं 10:9 को लेती हूँ. तो इसमें इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज 1 माइनस चेंज इन डेल्टा एक्सपेंडिचर. अब एक्सपेंडिचर डेल्टा कितना है, 10 और 18. तो चेंज कितना हुआ, 18 माइनस 10, 8. एक्स क्या है, इनिशियल डिमांड 1 और डेल्टा पी क्या है, चेंज इन प्राइस. प्राइस में कितना हुआ 1. तो ये हुआ 1 माइनस 8 बाय 1. तो ये हो गया हमारा 1 माइनस 8. -7 माइनस को हम इग्नोर कर देंगे तो हमारा क्या है 7. तो 7 क्या है, 1 से बहुत ज्यादा है, इसलिए इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड विल बी ग्रेटर देन 1. सो दिस इज द मेथड ऑफ मेजरिंग द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड थ्रू टोटल एक्सपेंडिचर मेथड. प्रोपोर्शनेट और परसेंटेज मेथड, इसमें हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को इस फॉर्मूले से निकालते हैं, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस. और यदि हम इसको न्यूमेरिक फॉर्म में लिखेंगे तो पी डिवाइड बाय क्यू इनटू डेल्टा क्यू डिवाइड बाय डेल्टा पी. तो देखिए हमें प्राइस और डिमांड दिए हुए हैं. ये जो हमारी प्राइस है फर्स्ट ईयर में 7 है, डिमांड है 500 और सेकेंड ईयर में प्राइस है 6 और डिमांड है 700. तो जो हमारा P है, ये प्राइस जो है इसको हम इनिशियल प्राइस बोलेंगे और P1 जो है इट इज न्यू प्राइस. ऐसे ही डिमांड जो है 500 जो है ये इनिशियल डिमांड और 700 न्यू डिमांड. तो हम इसको फॉर्मूले में लगाते हैं, P
पी क्या है 7, क्यू क्या है 500। अब डेल्टा क्यू क्या होता है, न्यू माइनस ओल्ड, तो 700 माइनस 500 200, और ऐसे ही डेल्टा पी कैसे निकालेंगे, न्यू माइनस इनिशियल 6 माइनस 7, तो ये हमारा हो गया -1। अब हम इसको सोल्व करते हैं तो हमारी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड विल बी 2.8, तो 2.8 1 से ज्यादा है तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड विल बी ग्रेटर देन 1। तो हम कोई भी अमाउंट को ये चेक कर सकते हैं कि देयर इज ए नेगेटिव रिलेशनशिप, पॉजिटिव रिलेशनशिप, ग्रेटर देन 1, लेस देन 1 और यूनिटरी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है, तो दिस इज नोन एज प्रोपोर्शनेट और परसेंटेज मेथड। पॉइंट मेथड, देखिए जब हमने डिमांड कर्व के किसी भी पॉइंट पे इलास्टिसिटी को मेजर करना है तो उस केस में हम पॉइंट मेथड को यूज करते हैं। सपोज कर लीजिए हमारा डिमांड कर्व है, डीडी इज द डिमांड कर्व, तो हमने इसके किसी भी पॉइंट पे इलास्टिसिटी को मेजर करना है तो उसको हम कैसे फॉर्मूले को यूज करेंगे, लोअर पोर्शन डिवाइड बाय अपर पोर्शन। सपोज कर लो मुझे इलास्टिसिटी को यहाँ पे मेजर करना है तो इलास्टिसिटी को कैसे मेजर करूंगी मैं, ये पॉइंट सी है, सीई डिवाइड बाय सी ए, तो ये क्या हो जाएगा हमारी इलास्टिसिटी का, ये भी पोर्शन और इतना पोर्शन बोथ आर इक्वल, तो हम अपने आप ही अंदाजा लगा सकते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड विल बी इक्वल टू 1। यदि हमने डी पॉइंट पे लगाना है तो क्या हो जाएगा, डीई डिवाइडेड बाय एडी, तो ये हमारा हो गया लेस देन 1 क्योंकि डी ऊपर का पोर्शन हमारा कम है। एट पॉइंट बी, यदि बी पे निकालना है तो बी डी लोअर पोर्शन डिवाइड बाय अपर पोर्शन एडी, तो ये ग्रेटर देन 1। यदि हमने ए पॉइंट पे निकालना है, अब ए पॉइंट पे क्या हो गया, लोअर पोर्शन ए ई डिवाइड बाय कुछ भी नहीं है तो इट विल बी इनफिनिट। एट पॉइंट ई, अब हमने ई पे निकालना है, हमारा जो है लोअर पोर्शन जीरो है और अपर पोर्शन ए ही, तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होगी, जीरो। तो इस तरीके से हम किसी भी पॉइंट पे इलास्टिसिटी को मेजर कर सकते हैं। तो ये तो था हमारा डिमांड कर्व जब लीनियर था। यदि हमारा नॉन लीनियर डिमांड कर्व है तो नॉन लीनियर के केस में दिस वन डीडी, तो हम इसमें मेजर करने के लिए पहले एक टेंजेंट लाइन जो इसको डीडी कर्व को टच करती है इसको प्लॉट कर लेंगे, तो उस पॉइंट पे इलास्टिसिटी को मेजर करेंगे। तो जैसे पी है तो इलास्टिसिटी कितनी हुई, पी एन डिवाइड बाय पी एम, तो इलास्टिसिटी इज इक्वल टू 1। सो थ्रू पॉइंट मेथड जो है वी कैन मेजर द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। आर्क मेथड, देखिए पॉइंट मेथड को हम तब यूज करते हैं यदि दो पॉइंट के बीच में गैप कम होता है, देन वी विल यूज द पॉइंट मेथड। देखिए आर्क मेथड के केस में यदि डिमांड कर्व पे दो पॉइंट का गैप ज्यादा होता है तो इस केस में हमारे लिए अप्रोप्रिएट मेथड होता है आर्क मेथड। तो आर्क मेथड निकालने के लिए हम क्या करते हैं, जो भी दो पॉइंट्स होते हैं उनकी आर्क बना लेते हैं, एवरेज निकाल लेते हैं, ए से यहाँ आर्क लेके जो भी इसकी एवरेज होती है तो उसके थ्रू जो है हम इलास्टिसिटी को मेजर करते हैं। इसका एक फॉर्मूला भी है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड थ्रू आर्क मेथड, Q1 माइनस Q डिवाइड बाय Q1 प्लस Q इंटू P1 प्लस P डिवाइड बाय P1 माइनस P। नेक्स्ट मेथड है हमारा रेवेन्यू मेथड। देखिए रेवेन्यू मेथड का फॉर्मूला है AR इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, AR डिवाइड बाय AR माइनस MR। AR क्या होता है एवरेज रेवेन्यू, MR क्या होता है मार्जिनल रेवेन्यू। तो हम जो है इसको X एक्सिस पे डिमांड लेंगे और Y एक्सिस पे इनकम लेंगे, तो इनकम लेने से जो हमारी इधर वाली साइड होती है राइट हैंड साइड वो AR और लेफ्ट हैंड साइड ये हमारी MR है। तो इस केस में जब भी हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड किसी भी पॉइंट पे निकालेंगे यदि हमारी MR जीरो होती है तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड विल बी इक्वल टू 1, यदि MR पॉजिटिव होती है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड विल बी ग्रेटर देन 1, यदि MR नेगेटिव होती है तो इलास्टिसिटी विल बी लेस देन 1। सो दीज फाइव मेथड्स के थ्रू जो है हम इलास्टिसिटी को मेजर कर सकते हैं। तो इसके साथ आज हम इतना ही पढ़ेंगे, नेक्स्ट जो है हमारा इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ये हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। नाउ जो है दिस टॉपिक इज फिनिश्ड, फॉर मोर वीडियोस प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।